हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है प्रियंका। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया हिंदी में। स्टॉक आइडिया हिंदी में आईपीओ से रिलेटेड आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको दी जाती है, और मंडे से लाइव मार्केट में मैं लाइव रहती हूँ, आप वहाँ भी मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ एक आईपीओ आने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट आईपीओ। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का आईपीओ जो है आने वाला है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्या क्या इसकी किस टाइप की कंपनी है। ये इंडिया की चौथी सबसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक रिटेल कंपनी है भारत में। कंपनी को डिवर्सिफाइड किया गया था कि डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट जो है एयर कंडीशनर, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर, मतलब मोबाइल एंड इस ये सब हैं, रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह कंपनी जो है काम करती है। कंपनी 1980 में इस्टेब्लिश हुई थी। कंपनी आईटी एंड अदर कंपनी फील्ड में भी काम करती है। कंपनी 66,000 स्टॉक कीपिंग यूनिट है जो है। कंपनी कैटेगरी मोर देन 70% कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है कंपनी के। कंपनी की ऑनरशिप की अगर बात की जाए, कंपनी की ऑनरशिप मतलब ऑनरशिप मॉडल की बात करूँ, कंपनी का प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड एंड बिल्डिंग की। कंपनी की लीज रेंटल मॉडल है, रिटेल है, होलसेल है, ई कॉमर्स है कंपनी, इन सब चीज़ों में है। कंपनी की अब बात करें फाइनेंशियल की, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इसका आईपीओ आ जाएगा। कंपनी का जो है आईपीओ की डेट अभी डिसाइडेड नहीं है। कंपनी का अभी जो है आईपीओ की डेट डिसाइड नहीं किया गया है। कंपनी को आईपीओ कब आएगा ये नहीं पता है। इतना पता है कि कंपनी में जो है प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर होल्डिंग 100% है लगभग। और इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ का जो है फेस प्राइस 10 रुपये पर शेयर रखा गया है, लेकिन अभी तक इसका ये नहीं बताया गया ये आईपीओ कब आएगा। लेकिन लिस्टिंग बताई गई है, बीएससी और एनएससी में लिस्ट होने वाली कंपनी है। इम्पॉर्टेंट सबसे बात यह है कि कंपनी ने अभी ये नहीं बताया है कंपनी का इशू साइज़ क्या होगा, कंपनी कितने का जो है कितने तारीख को आईपीओ ला रही है और शेयर प्राइस क्या रखा गया। कंपनी ने अभी ये सब कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जल्द ही आईपीओ आपको मार्केट में आते हुए दिखाई देगा। इसमें QIB के लिए 50% रखा जाएगा, एच एन आई के लिए 15%, रिटेलर के लिए 35%, रिटेलर के लिए बम्पर ऑफर किया गया है। कंपनी का अगर फाइनेंशियल देखें, मैंने फाइनेंशियल देखा था, फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा है। जो भी इसमें आईपीओ में अप्लाई करेगा उसके लिए बम्पर धमाका हो सकता है, कंपनी का बम्पर धमाका होने वाला है। ये आईपीओ जल्द ही आपको मार्केट में आते हुए दिखाई देगा, जब आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस टाइम पर आप अभी से तैयार हो जाइए, क्योंकि आईपीओ जब आएगा तो आपको उस टाइम सोचना ना पड़े, क्योंकि अभी आईपीओ का लॉट साइज ये सब कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन सेबी की तरफ से इसको अप्रूवल मिल चुका है, जल्द ही कभी भी आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। फ्रेंड, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, अगर आईपीओ से रिलेटेड या कुछ भी के रिलेटेड आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मोर डिटेल में और ज़्यादा से ज़्यादा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन एक लिंक दी है वेबसाइट से, वहाँ से जाके आप पढ़ भी सकते हैं। और अभी तक और आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर नीचे लिंक दिया है वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते हैं जिसका मैं यूज कर रही हूँ अपस्टॉक का, नीचे लिंक दी है वहाँ से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। फ्रेंड, इसी तरह के इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों के बीच में शेयर करिए। फ्रेंड, लाइक करने का कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, लाइक करना मत भूलिए। जैसे कैसा लगता है वीडियो आप ये भी आप कमेंट करके नीचे बताइए, जो भी आपका फीडबैक होगा ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।